नमस्कार यूट्यूब फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अवतार सिंह। मैं अपने चैनल अवतार सिंह होम गार्डनिंग टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रैगन फ्रूट के प्लांट को आप घर पर कैसे उगा सकते हैं, या आप ड्रैगन फ्रूट के प्लांट को गमले में कैसे लगा सकते हैं, प्लास्टिक के गमले में या मिट्टी के गमले में आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिए कि आप इसे मिट्टी के गमले में ग्रो करें। मिट्टी के गमले में अगर आप ड्रैगन फ्रूट का प्लांट ग्रो करते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और सक्सेस भी होता है, ग्रोथ भी अच्छी आती है इस पर। लेकिन प्लास्टिक के पॉट में भी इसे उगाया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक के पॉट में उगाना चाहते हैं तो आपको सेमिशेड एरिया के अंदर ही प्लांट को रखना पड़ेगा। इसलिए आप अगर डायरेक्ट धूप के अंदर से पौधे को ग्रो करना चाहते हैं खुली जगह में, तो आप इसे छत वगैरह पर अगर उगाना चाहते हैं, खुली जगह है जहाँ पर, तो आप इसे मिट्टी के गमले में 8 इंच के या 10 इंच के या 12 इंच गमले के अंदर उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो फल होते हैं बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और कुछ पीले या गुलाबी रंग के फल है जो इस पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको 3 तरीकों से उगाया जा सकता है। या तो आप इसे बीज से उगा सकते हैं, या आप इसका फल बाजार से खरीद के उसकी स्लाइस है जो आप पॉट में ग्रो कर सकते हैं, और या फिर इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को आप कटक की तरह जो यूज करके उससे पौधा है जो आप तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर बुक करवाकर मंगवा सकते हैं, अमेजन से या किसी और साइट से, आपको जहाँ से सुविधा लगे वहाँ से आप इसे मंगवा कर अपने घर पर है जो लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये 2 पौधे हैं जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको ये आज पॉट्स के अंदर लगा के बताऊंगा। ये मेरे पास प्लास्टिक के पॉट हैं, ये करीबन 6 इंच ऊंचा है और 6 इंच चौड़ा जो पॉट है ये, इसके अंदर मैंने जो 5 होल कर लिए हैं नीचे की तरफ, और इसके अंदर जो हम पौधों को ग्रो करेंगे, इसे ग्रो करने के लिए जो पोटिंग मिक्स आप बनाएंगे कमलों में भरने के लिए, मिट्टी तैयार करेंगे वो कैसे करनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पोटिंग मिक्स तैयार करने के लिए आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है 20%। ये मेरे पास है जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है, तो ये मैं 20% यूज करूँगा। और ये है रेत, है बालू रेत कह सकते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन रेत होता है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल जो मैं यहाँ पे रेत आम खास खेतों में होता है वही यूज करूँगा, और उसके साथ साथ जो है 20, 30, 50 और 50% है जो इसमें मैं काउडंग कंपोस्ट है जो यूज करूँगा। काउडंग कंपोस्ट है जो आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। घर पर काउडंग कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है ये आप जानना चाहते हैं तो बने रही चैनल पर, जल्द ही हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, बताएंगे कि कैसे आप घर पर है जो काउडंग कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने जो है मार्केट से जो खरीद के काउडंग कंपोस्ट हम लाए हैं, कंपोस्ट जो मार्केट से खरीदा है उसी का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो मैं उसको जो 50% है काउडंग कंपोस्ट का यूज करूंगा, इसमें दो पौधों के लिए काफी इतना हुआ हमारा। हमारे पास इतना सा हम इसमें जो काउडंग कंपोस्ट है वो बनाएंगे। काउडंग कंपोस्ट मिलाने के बाद है जो हम इसको अच्छी तरह से जो गार्डन सोइल और हमारे पास बालू रेत है और जो जितनी जो चीज़ें हैं इनको हम मिला लेंगे अच्छी तरह। मिलाने के बाद है जो पॉट में भर लेंगे, और भरने के बाद है जो हम आपको अगले प्रोसेस बताएंगे। तो चलिए मिलाते हैं, तैयार करते हैं पॉटिंग मिक्स। चलिए फ्रेंड, हम जल्दी जल्दी से इसे डालते हैं। आपको फ्रेंड जी अच्छी तरह से डाल देनी है, अगर आपकी जो सोयल है अच्छी तरह से नहीं मिलेगी तो आपका जो पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, अच्छे से पोषण है जो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको हाथों से मसल मसल के अच्छी तरह से जो इसमें गार्डन और रेत और कंपोस्ट को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। इस तरह से आपको इसमें डेला वगैरह है इसी तरह हाथ से मसल मसल के तोड़ देना है, कोई ऐसी जगह वगैरह नहीं छोड़ना है। तो
फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे वाला आइकन जरूर दबाइए, तभी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपके लिए जो फलदार पौधों की जो खेती कैसे की जाती है, घर पर जो फलदार पौधे हैं उधर पर सब्जियाँ कैसे बढ़ जाती हैं, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। और फ्रेंड्स, हमारा जो पोटिंग मिक्स है, हमने मिट्टी भरने के लिए मिट्टी हमने बनाई है, वो एकदम तैयार है। तो हम आपको भी इसको पोट के अंदर भरकर दिखाएंगे। फ्रेंड्स, पोट में भरने के लिए आपको यहाँ पे ये जो छेद है, छेद के अंदर आपको कंकर वगैरह कुछ टुकड़े वगैरह डाल देने हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये है और छोटे टुकड़े हैं, मैं इनको तोड़ के इस तरह से इन्हीं के जो कंकर है मैं इसमें डालूंगा, ताकि इसका जो ड्रेनेज होल है और नहीं हो, इससे आपको डाल देना है। इस तरह से ड्रेनेज में डालने के बाद फ्रेंड्स, हमने इसमें रख लिया है। अब हम इसको मिट्टी से भरेंगे। अच्छी तरह से आपको दबा दबा के भरना है, ताकि जो मिट्टी के अंदर हवा कम से कम रहे, इसको दोबारा से जमीन पे ठोक लें। और उसके बाद हम आपको पौधा है, ये पौधा लेंगे, उसको धीरे से बहुत ही सावधानी से आपको ओपन करना है। देखिए, जब हम ऑनलाइन पौधे मंगवाते हैं तो उसमें बहुत ही सेफ्टी होती रहती है, बड़ी तरह से इसको पैक किया जाता है। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी से इसको पैक किया हुआ है, सेलो टैप है जो ऊपर लगाई रहती है इसके दूर से। ये छोटा सा ग्रो बैग है जिसके अंदर ये पौधा आया है, और ऊपर से इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी भी साथ में आया है। इसमें रूट्स भी हैं, मैं आपको नजदीक कर दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें रूट भी हैं। ये पौधा हमारा बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, और इसमें जब ग्रो शुरू होगी तो इसका वीडियो भी हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा टारगेट 1K का जो टारगेट है वो पूरा हो सके। हम इसी के लिए कोशिश करते हैं, इससे हमारी कुछ कमाई वगैरह नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हम प्यार करते रहेंगे तो आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो हैं जो लेकर आते रहेंगे। तो इसको लगाने के लिए फ्रेंड्स, आपको इसके अंदर है जो तकरीबन 1.5 इंच का जो ऐसे गड्ढा करना है, और उसके अंदर बहुत ही सावधानी इसको ऐसे रख देना है। रखने के बाद इसको आप हाथ से दबा सकते हैं, और कुछ मिट्टी है जो ऊपर से और डाल दें, ताकि ये पौधा हमारा स्टेबल रहे, गिरे नहीं। इसी प्रकार ये दूसरा पौधा भी हम लगाएंगे, और लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको करीबन, तो फ्रेंड्स पानी डालने के लिए आप किसी झरी का यूज कर सकते हैं, या तो आप किसी गिलास या लोटे से भी इसको पानी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको भी एक गिलास पानी है जो डाल देंगे, क्योंकि तो हमारी मिट्टी है जो काफ़ी हद तक गीली है, इसलिए हम इसमें पानी बहुत कम देंगे। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो आपको भरपूर पानी देना है, और भरपूर पानी देने के बाद आपको ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर इसको 8 घंटा से 9 घंटा धूप मिल सके, क्योंकि ये गर्म क्षेत्र का पौधा है, इसलिए ये गर्म जगह पर रखें इसको, जहाँ पर धूप मिल सके आसानी से। लेकिन अगर आपका पॉट प्लास्टिक का है तो आपको पॉट है जो यहाँ तक है, जो आपको मिट्टी के अंदर ज़मीन के अंदर गाड़ के रखना है, और ऊपर का ये हिस्सा ही ज़मीन से बाहर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीधे डायरेक्ट धूप के अंदर रखेंगे तो फ्रेंड्स आपके जो पॉट है ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है प्लास्टिक गर्म होने का जो पौधे की रूट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। अगर आपका जो पॉट है वो मिट्टी का है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी इसे रख सकते हैं, और वो आपका पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर प्लास्टिक का है तो आप इसमें या तो इसे ज़मीन में गाड़ के रखें, या फिर जो बोरी वगैरह है वो इसके ऐसे लपेट दें, ताकि ये जो पोर्शन है इसको धूप ना लगे। अगर इसको धूप लगेगी तो अंदर की सॉइल है जो गर्म हो जाएगी, गर्म होने के कारण आपकी रूट्स हैं जो पौधे की वो ख़राब हो जाएगी, और आपका पौधा है जो डैमेज हो जाएगा। प्लास्टिक के पॉट में लगाते वक्त इतना आपको ध्यान रखना है। अगर मिट्टी का पौधा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट के अंदर। धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को 1K तक पहुंचने का जो हमारा टारगेट है वो पूरा करने में हमारा मदद करें।
धन्यवाद। तो फ्रेंड्स अब इसमें हमने डाल दिया है पानी, और पानी डालने के बाद हम इसको करीबन 8 से 10 घंटा धूप में रखेंगे। ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ इसको डायरेक्ट सनलाइट 8 से 9 घंटा धूप मिलती रहे, और जिससे हमारा पौधा है जल्दी नए ग्रोथ ले सके। आपको दूसरा पौधा भी लगाकर बताएंगे। तो हम मिट्टी को इसको भर लेते हैं। हमें तो मिट्टी डालते रहना है और थोड़ा फूकते रहना ताकि इसकी मिट्टी के अंदर जो हवा है मिट्टी अच्छी तरह से भर जाए। आपको वेल ड्रेन सॉइल मिट्टी हिलवाने हैं ताकि पानी है जो आसानी से नीचे जा सके, ऐसी मिट्टी का यूज करना है। फ्रेंड्स ये भी हमने जो पॉट है वो रेडी कर लिया है। तो इसमें हम आपको पहले वीडियो में बता रहे थे कि यहाँ तक अगर प्लास्टिक का पौधा है तो आपको ये किनारी है, ये किनारी से नीचे नीचे का जो भाग है ये आपको ज़मीन के अंदर गाड़ के रखना है ताकि ये आपका पॉट गर्म नहीं हो और आपके पॉट जो पौधे की रूट्स हैं उनको गर्मी ना लगे। अगर ये गमला का प्लास्टिक है, प्लास्टिक ज़्यादा गर्म होने की वजह से आपकी रूट्स हैं जो गर्म होकर खराब हो जाती हैं, आपका पौधा नष्ट भी हो सकता है। इसके अंदर फ्रेंड्स आपको करना क्या है, इस तरह से छेद करना है और फिर आपको ये पौधा है जो हम बहुत सावधानी से ओपन करके दिखा रहे हैं, इस तरह से ओपन करना है। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी रूट्स हैं इसके अंदर, इस पौधे में बहुत ही ज़्यादा रूट्स हैं। तो हम आपको लगा के भी बता रहे हैं, ये रूट्स को ऊपर रखते हुए और काफ़ी बड़ा 1.5 इंच का ना बड़ा करना है गहराई, सावधानी से ऐसे रखना है इसको। धीरे 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 आपको है जो रूट्स को कवर कर देना है, मिट्टी डाल देनी है और बाद में है जो सब आपको भरपूर पानी देना है। और पानी देने के बाद है जो 8 से 9 घंटा धूप मिले इस जगह पर रख देना है, तो आपका पौधा है जो बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेगा। धन्यवाद।